हेलो एवरीवन, मैं आलोक गुप्ता A1 कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सीरीज का पार्ट नंबर 4 लेकर के आया हूं। इसके पहले मैंने 3 पार्ट्स करा दिए हैं, तो जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी हो तो पहली क्लासेस वो देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आज मैं आपसे अंत में एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? 4 ऑप्शंस हैं, मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आनंद भवन कहाँ पर स्थित है, तो आनंद भवन इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। अब आप कहेंगे कि इलाहाबाद तो नहीं है, तो अभी इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया है, प्रयागराज कर दिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर प्रयागराज हो जाएगा, और अगर आपको इलाहाबाद भी लिखा मिलता है तो आप लोग इलाहाबाद भी टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो मथुरा, अलीगढ़, नरोरा और सिंगरौली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नरोरा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नरोरा में। तो आप लोग जानते होंगे, एक सेकंड, आप लोग जानते होंगे कि परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, नरोरा में है। और नरोरा कहाँ पर है, ये बुलंदशहर जिले में है, ठीक है, बुलंदशहर जिले में है हमारा नरोरा। नरोरा किसके लिए फेमस है, नरोरा फेमस है NAPS। अभी NAPS क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि NAPS का मतलब होता है नरोरा नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ओके। तो इस चीज़ के लिए फेमस है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो सही आंसर हो जाएगा नरोरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में किस नगर में नहीं लगता है? तो आपको क्या बताना है कि किस नगर में नहीं लगता है, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद और उज्जैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। अब वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है, तो आपको बताना है कि भारत में कितनी जगहों पर कुंभ मेला लगता है, उन्हीं सभी जगहों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। मैं आपको बता देता हूं इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जगहों पर। अब वो 4 जगह कौन कौन सी हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में किस्से की जगह यहाँ पर हिस्से होना है, ओके। तो यहाँ पर आप लोग हिस्से कर लीजिए, किस हिस्से से मिलती है, ओके। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नेपाल, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या पूछा गया है, पूर्वी सीमा पूछा गया है, तो पूर्वी सीमा हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिहार। तो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा कहाँ से मिलती है, बिहार राज्य से मिलती है। आपको बताना है कि इस समय बिहार के CM कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? अभी मैंने पूछा था पूर्वी सीमा, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी सीमा, उत्तरी सीमा। तो उत्तरी सीमा इसमें क्या आंसर हो जाएगा, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, यानी किस देश से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेपाल। तो उत्तर प्रदेश उत्तर में कहां से मिलता है, नेपाल से सटा हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नगरी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो नगर है किस नगरी के किनारे स्थित है, गंगा, यमुना, गोमती, सरयू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सरयू। तो अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर स्थित है? मथुरा, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मथुरा। तो मथुरा रिफाइनरी है, ओके। मथुरा में क्या है, मथुरा रिफाइनरी है, ठीक है, मथुरा परिष्करणी है। और ये किसके स्वामित्व में है, ये इंडियन ऑयल के स्वामित्व में है, ठीक है, ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मथुरा में उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? क्या पूछा गया है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, ठीक है। तो अब तो खैर इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर भी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र हमारे प्रयागराज में स्थित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, बरेली, लखनऊ, आगरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिरोजाबाद। तो आप लोग जानते हैं कि फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है। ओके, फिरोजाबाद शहर जो हमारा है वो फिरोजाबादी चूड़ियों के लिए फेमस है। फिरोजाबादी चूड़ियाँ आप लोगों ने खूब सुना होगा। ओके ओके, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है? सूचना केंद्र का मुख्यालय पूछा गया है, तो इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी और लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लखनऊ। तो सूचना केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। यूपी की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? तो आप लोगों को क्या बताना है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस क्या हैं? मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लखनऊ। लखनऊ में क्या है? उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय की खंडपीठ है। खंडपीठ का मतलब होता है बेंच। अब आप लोग बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय हमारे कहाँ पर है? प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में मुख्य न्यायालय है। ओके, और इसकी जो एक बेंच है लखनऊ बेंच है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है? अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? भारत की बात हो रही है। पूरे भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश क्या है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो क्या पूछा गया है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोमती, गंगा, शारदा, यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है गोमती नदी। ठीक है, भारत की नहीं पूछा गया है, अदरवाइज आंसर दूसरा हो जाता, उस समय आंसर गंगा हो जाता, और यहाँ पर अभी आंसर हो जाएगा हमारा गोमती नदी। गोमती नदी कितनी? गोमती नदी की जो लंबाई होगी वो 900 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। और गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? जो पीलीभीत जिला है हमारा, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है। पीलीभीत जिले के पास में क्या है? एक झील है, फुलहर झील। ठीक है, फुलहर झील, उसको गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो फुलहर झील के पास से हमारी गोमती नदी का उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल क्या है? तो जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल को बताना है आपको। तो ऑप्शन है कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, देवीपाटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कौशाम्बी। कौशाम्बी में क्या है? जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। अब वो प्रसिद्ध तीर्थस्थल किसके नाम से जाना जाता है? वो प्रसिद्ध तीर्थस्थल हमारे प्रभासगिरी। ओके, प्रभासगिरी के नाम से, प्रभासगिरी एक धार्मिक स्थल है। एक और किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो प्रभासगिरी है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। और एक कहाँ पर है? एक कौशाम्बी जिला है। कौशाम्बी जिला में मंजनपुर तहसील है। तो मंजनपुर तहसील के पास में है ये प्रभासगिरी नाम की जगह है। और ये क्या है? जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का मेरा अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कहां पर और कब स्थापित किया गया? तो क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कहां पर किया गया? तो सब लोग जानते होंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आज भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से ही जाना जाता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, ओके। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका एक पार्ट है, तो ये हो जाएगा 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, 23 सितंबर 1887। तो अब आप लोगों को बताना है कि इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कौन है? ओके, क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कौन है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, जो मैंने पिछले वीडियो में पूछा था। तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा की कितनी सीटें हैं। मैंने पूछा था लोकसभा की सीट पूछा था। ओके,
तो कितनी है उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से हो जाएगा 80 लोकसभा की सीट है, ठीक है। और राज्यसभा की कितनी सीट है, तो राज्यसभा की सीट है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब आज का क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, आज का मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया है कि आपको बताना है कि इस समय भारत में, पूरे भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ओके। टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो लोग भी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे सेफ।